लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका है, लेकिन देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना की महामारी और उनके आर्थिक नुकसान दोनों से निपटने की चुनौती है। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारी और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए, किसान प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं पैसे की आवश्यकता है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने के उपाय खोजती है, उसे ट्रीट देती है। ऐसे में सरकार को साहूकार नहीं माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों के लिए सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और प्रभावित सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधा पैसा भिजवाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पर एक बात कही और कहा कि किस प्रकार से जो सरकार है उसे साहूकार का फिलहाल काम नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जिस प्रकार कभी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, बल्कि उसे उस चीज को खोजने का उपाय बताती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, बेहद दो टूक बात कही यहां पर राहुल गांधी ने, कहा कि सरकार को साहूकारी का कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के बयानबाजी से यहां पर बचते हुए हालांकि दिखाई दिए, लेकिन कहा कि जिस प्रकार से अभी को साथ मिलकर सभी को कार्य करना है और सीधा जो गरीब तबका है उनके बैंक के अकाउंट तक ये पैसा पहुंचे बिना किसी मिलावटखोरी के, इसके अलावा क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जयती, राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं फिलहाल इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता। जिस तरीके से देश में कोरोना के हालात है, लेकिन अपना जो पैकेज केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है एक बार फिर से उस पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया है उससे कर्ज की बात की है, लेकिन लोगों को जो मजदूर है, जो गरीब तबका है, उसको फौरी राहत की जरूरत है। लोगों को जेब में पैसे की जरूरत है, जो पैसा है वो लोगों की जेब में चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी। तो इसमें राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बार ये पैकेज जो है उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि देश में जबरदस्त जो है देश को आर्थिक नुकसान होने वाला है, एक तरीके का तूफान आया नहीं है लेकिन आने वाला जरूर है, इसलिए केंद्र सरकार को इन तमाम चीजों पे एक बार विचार करना होगा। और विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने ये कहा कि विपक्ष होने के नाते हम ये बात समझाना चाहते हो, केंद्र सरकार अगर हम जोर देंगे तो जरूर इस बात को समझेगी। प्रीत, एक और चीज उन्होंने कही कि किस प्रकार से अभी जो देश है उसको देश की स्थिति के संदर्भ में यहाँ पर कार्य करना चाहिए, जो सरकार है उसी को, क्योंकि सरकार के पास में अभी सारे पावर्स हैं, विपक्ष होने के नाते वो सारे कार्य करेंगे, लेकिन जो सरकार अभी है केंद्र में उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किसी अन्य देश की तुलना में यहाँ पर कार्य ना किया जाए, देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार में है बीजेपी मैकेनिज्म और सारा जो काम करने की जो सारी सुविधाएं हैं वो सरकार के पास है, बीजेपी के पास है। ऐसे में जब लॉकडाउन को हटाया जाए तो बड़ी ही समझदारी से लॉकडाउन को हटाया जाए, क्योंकि ये बेहद जटिल प्रक्रिया है, कोई आयोजन नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ख्याल रखना होगा, ऐसा नहीं है कि हमने लॉकडाउन हटा दिया और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं उन पे जबरदस्त आघात पहुंचे। उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि चीन ने जिस तरीके से चीन में कोरोना की शुरुआत हुई, लेकिन जो आंकड़े हैं भारत ने मात दे दी है चीन को। भारत के जो आंकड़े हैं आज की डेट में 85,940 वो चीन से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में भारत को सजग रहने की जरूरत है, विपक्ष होने के नाते विपक्ष से भी इस बात में सलाह लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को जो तमाम स्टेप्स उठाने चाहिए उसमें आम लोगों के, गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।